तो हाय गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम टू एचडी फोटोग्राफी। तो आज मैं आपको इस वाली वीडियो में ये दिखाने जा रहा हूँ इस टाइप की कुछ एडिटिंग, मज़ेदार एडिटिंग, वो भी पिक्सआर्ट मोबाइल के अंदर। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। तो गाइस, सबसे पहले पिक्सआर्ट ओपन कर लेंगे और जो आपका बैकग्राउंड है वो सब डिस्क्रिप्शन में डाल चुके हैं, आप जाके वहाँ से ले लें। और फिर आप यहाँ से ड्रॉ टूल में जाके सीधा फिर लेयर्स वाले ऑप्शन में जाके एक फ़ोटो लेयर वाले क्लिक करके और जो भी स्काई पीएनजी था उसको मैं ले आया हूँ और उसको लेयर को नीचे कर लिया। और अब देख सकते हैं बढ़िया तरीके से एडजस्ट हो गया। फिर फोटो लेयर में जाने के बाद फिर मैं एक रूफ़ का लेयर ले लेता हूँ, उसको भी मैं एडजस्ट हो गया, अपने आप ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है लेयर के हिसाब से। और ऊपर नीचे भी लेयर करके आप एडजस्ट कर सकते हैं। वो फिर मैं जाके एक मॉडल का पीएनजी ले लेता हूँ, वो आप एडजस्ट कर लीजिए, ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जा रहा है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। और फिर आप यहाँ से एक फ़ोटो लेयर का ऑप्शन लेके आप जो बारिश वाला पीएनजी है उसको कर लें, उसको ब्लेंडिंग मोड चेंज करके स्क्रीन पर रख के आप देख सकते हैं, और इसको इरेजर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके और फेस पर से हल्का हल्का इरेज कर लेंगे और हाथ पे भी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हैं। आपको जहाँ से रिमूव करना चाह रहे हैं वहाँ से रिमूव कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो फाइनली इरेज करने के बाद मैं इसे ऊपर टिक किए और क्लिक करके फिर मैं ऐड वाले फ़ोटो में जाके शैडो को मैं इंपोर्ट करूँगा इसमें, और आप शैडो को मैं शूज़ के पास नीचे एडजस्ट करके अच्छे तरीके से लगा देंगे कि उसका शैडो पड़ रहा है जूते का, तो काफ़ी सही लग रहा है, आप देख सकते हैं। और एक और मैं डुप्लीकेट लेयर लेके दूसरे जूते पे लगा के दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है। और फिर मैं ऐड फ़ोटो में जाके अब अम्ब्रेला वाला पीएनजी लेके आप इसको एडजस्ट अच्छे तरीके से करके और यहाँ पे कुछ इसका ओपेसिटी कम कर लेंगे और अच्छे तरीके से इरेज करके इसको दिखाएंगे कि लगे कि हाथ में पकड़ा हुआ है, उस टाइप की फ़ोटो एडिटिंग। इसकी सिटी कम करके इरेजर वाले ऑप्शन में जाके इसको अच्छे तरीके से इरेज कर लें, बहुत ही अच्छे तरीके से करें, ज़्यादा ना करें। तो इरेज करने के बाद आप देख सकते हैं हाथ पे भी इरेज कर लें, और यहाँ से अगर आपका ज़्यादा इरेज हो गया तो रिस्टोर कर सकते हैं, यहाँ से आप इसका फिर टिक करके ओपेसिटी बढ़ा लें, तो देख सकते हैं आप काफ़ी सही लग रहा है। और फिर आप यहाँ से ऐड फोटो में जाके एक थंडर वाला पीएनजी है उसको भी ऐड कर लें, आप देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग लगेगा ये थंडर और पीएनजी लगाने के बाद, फ़ोटो एकदम मस्त सा पॉप सा एकदम लग रहा है, आप देख सकते हैं रेनिंग वाला। तो फाइनली गाइज, कुछ इस टाइप की एडिटिंग मैं कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं काफ़ी सही लग रहा है।